हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपलस यूट्यूब चैनल आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर ट्वेंटी करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द वायरस एंड लेटेस्ट एंटी वायरसेस ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट थर्ड रहेगा एंड प्रबली दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक और आज के लेक्चर में हम प्रीवियसली आस्कर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो भी इस टॉपिक में से पूछे गए थे आज तबीयत थोड़ी सी खराब है लेकिन आपको लेक्चर ऑन टाइम मिले इसीलिए आज भी मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ अगर आपको वॉइस में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए एडवांस में सॉरी और मैं आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चीज़ों की नहीं देने की कोशिश करूँगा ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप वो कमेंट सेक्शन में मैंशन करके बता सकते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन हाउ मेनी एंटी वायरसेज शुड रन एट अ टाइम इन अ कंप्यूटर सिस्टम आपको बताना है हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में एट अ टाइम कितने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन कर लेने चाहिए सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन विल बी ऑप्शन ए दैट इज वन ओनली कहने को तो हम एक से ज्यादा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में लेकिन उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है दैट इज हमारी कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है ओके ये वाला क्वेश्चन जो है जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज स्लैश आर मोस्ट कॉमन साइन साइनज ऑफ वायरस अटैक आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा कॉमन साइन माना जाता है वायरस अटैक का ऑप्शन ए की बात करते हैं द कंप्यूटर रन स्लोअर दैन नॉर्मल ये बिल्कुल सही है अनयूजअल एरर मैसेज अपियर ऑन द स्क्रीन ये भी बिल्कुल सही है यू नोट्स चेंज इन द फाइल साइज़ ये भी बिल्कुल सही है कंप्यूटर ऑफन फ्रीजेज और स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग ये भी बिल्कुल सही है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर टू विल बी ऑप्शन ई दैट इज ऑल ऑफ द अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डैश इज अ मालवेयर दैट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर एंड वंस इट ट्रिक्स अर इन टू इंस्टॉलिंग इट आपको बताना है इनमें से कौन सा मालवेयर ऐसा होता है जो कि आपको लगता है कि एक लेजिटिट सॉफ्टवेयर है और आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो ठीक है लेकिन जैसे आपने इसको इंस्टॉल किया असल में ये क्या होता है एक मालवियर होता है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर थ्री विल बी ऑप्शन सी दैट इज ट्रोजन। ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में यूज द डैश ऑफ योर ई मेल प्रोग्राम टू ब्लॉक अनवॉन्टेड ई मेल्स अगर आप अपने ई मेल में अनवॉन्टेड ई मेल्स को ब्लॉक करना चाहते हो उस पर्पज के लिए आपको क्या यूज कर लेना चाहिए सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर फोर विल बी ऑप्शन ए दैट इज फिल्टर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में डैश ऑकर्स आपको बताना इनमें से क्या हो जाता है वेन एन अनऑथोराइज पर्सन यूज पेड फॉर बाय द अनदर पर्सन सो द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव विल बी ऑप्शन बी दैट इज इंटरनेट ऑफ थेफ्ट ओके ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको बताना है गिवन ऑर द फोर ऑप्शन इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सिक्स विल बी ऑप्शन सी दैट इज एवी जी ठीक है और इसकी एक फुल फॉर्म भी है दैट इज एंटी वायरस गॉड ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं किस वर्म का दूसरा नाम ग्रेट वर्म है सो द राइट आंसर सेवन ऑप्शन डी मॉरिस वर्म ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शीट में पूछा गया था बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डैश इन अंप्यूटर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन आपको बताना है इनमें से किस मैथड का हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल थेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए सिक्योरिंग रिमोट एक्सेस टू अ कंप्यूटर ऑप्टेनिंग एक्सेस टू प्लेन टेक्स्ट एंड सो ऑन वाइल अटेम्प्टिंग टू रिमेन अनडिटेक्टेड सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर एट विल बी ऑप्शन सी दैट इज बैकडोर्स ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायरस प्रोग्राम आपको बताना इनमें से वायरस प्रोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी है ऑप्शन ए की बात करते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस अ वायरस आफ्टर इट हैज स्प्रेड अक्रॉस द नेटवर्क ऑप्शन बी की बात करते हैं इट नवर स्प्रेड्स एक्रॉस द नेटवर्क ये तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन सी से इज अ दैट वायरस डज नॉट इन्फेक्ट एन एग्जीक्यूटिबल फाइल और प्रोग्राम ये भी बिल्कुल गलत है ऑप्शन डी दैट इट कैन नेवर बी टू अदर हेल्दी प्रोग्राम्स ये भी बिल्कुल गलत है सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ ऑर क्वेश्चन ऑफ वायरस क्या है जितना ये कंप्यूटर नेटवर्क में ज्यादा फैलेगा उतना इसको ट्रेस करना भी डिफिकल्ट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डैश इज अ सॉफ्टवेयर कोड इंटेंशनली इंक्लूडेड इन टू सिस्टम विद द इंटेंशन टू हार्म द सिस्टम आपको बताना है इनमें से किस सॉफ्टवेयर कोड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि हम जान बुझ के यूजर्स के कंप्यूटर में डाल देते हैं विद द इंटेंशन टू हार्म दियर सिस्टम सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर टेन विल बी ऑप्शन डी दैट इज मालवियर यह वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर इलेवन पैकेट स्निफिंग ई मेल हैकिंग एंड पासवर्ड क्रैकिंग आर यूज टू डैश एक्सेस द सिस्टम ठीक है टू द सिस्टम सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट इज इजोराइज एक्सेस टू द सिस्टम ठीक है ना ओके पैकेट स्निफिंग का हम इस्तेमाल करते हैं ई मेल हैकिंग का इस्तेमाल या पासवर्ड क्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अनऑथोराइज एक्सेस लो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से इज एस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको बताना है इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विल बी ऑप्शन बी दैट इज अवास्ट ओके अवास्ट ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शीट में पूछा गया था और अवास्ट की भी एक फुल फॉर्म है या एक acronym, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज एंटी वायरस एडवांसड ठीक है है ये इसका आता है, का भी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है इन में से कौन सा सेट ऑफ कमांड्स ऐसा होता है जिनको हम लिखते हैं ताकि हम उनको लेटरली एग्जीक्यूट कर सकें सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन सी दैट इज मैक्रो ओके okay? मैक्रो को हम क्या करते हैं हम सेट ऑफ कमांड्स को सेव करते हैं एज मैक्रो और तब जाके वो लेटरली uh, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ठीक है थीके? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के बारे में डैश एफेक्ट बोथ द प्रोग्राम एंड बूट सेक्टर्स ऑफ अ कंप्यूटर आपको बताना इनमें से कौन सा वायरस ऐसा होता है जो कि दोनों को बूट सेक्टर को भी और प्रोग्राम सेक्टर्स को भी इफेक्ट कर लेता है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विल बी ऑप्शन बी दैट इज मल्टीपार्टाइट वायरस लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नाउ एथिकल हैकर्स हैकर्स कॉल्ड एज डैश आपको बताना है एथिकल हैकर्स का दूसरा नाम क्या आता है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विल बी ऑप्शन ए दैट इज वाइट हैट हैकर्स ठीक है हैकर वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के बारे में विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर आपको बताना है इनमें से कौन सा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विल बी ऑप्शन डी दैट इज़ क्विक हील ठीक है हो सकता है इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जो कि हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में कवर किए हैं लेकिन आज हम प्रीवियसली आज कर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए ये वाले क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं ठीक है थीके? ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शीट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के बारे में डैश अटैक इन वॉल्व ऑल्टरिंग रॉ डेटा जस्ट बिफोर इट इज़ प्रोसेसड बाई अ कंप्यूटर एंड देन चेंजिंग इट बैक आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कम्प्लीटेड आपको बताना है उस अटैक का नाम जिसमें हम क्या करते हैं रॉ डेटा को ऑल्टर कर लेते हैं ठीक है ओके प्रोसेस okay? होने से पहले पहले ही सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विल बी ऑप्शन ए दैट इज डेटा डिडलिंग डेटा डिटलिंग अटैक में हम क्या करते हैं रॉ डेटा को ऑल्टर कर लेते हैं प्रोसेसिंग से पहले ही ठीक है और इसको हम वापस से चेंज कर लेते हैं उसी फॉर्म में जिसमें ये पहले था ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी जे के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डैश इज एन अनऑथोराइज रियल टाइम इंसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज ओवर अ नेटवर्क आपको बताना है उस कॉन्सेप्ट का नाम जहां पे हम अनऑथोराइजली क्या कर रहे होते हैं मॉनिटर कर रहे होते हैं दो कम्युनिकेशन दो पार्टीज का कम्युनिकेशन सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर एटीन विल बी ऑप्शन डी दैट इज एव ड्रॉपिंग ठीक है यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं जब सेंडर डेटा सेंड कर रहा होता है रिसीवर को ओके okay, बीच में इंट्रोडर होता है हैकर होता है जो कि हमारे कम्युनिकेशन को रीड कर रहा होता है ठीक है अनऑथोराइजली सोस ड्रॉपिंग इस को हम बोलते हैं ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के बारे में विच वायरस अटैच इट सेल्फ टू डायरेक्टली टू एन एग्जीक्यू डॉट ई एक्सी डॉट कॉम फाइल एंड एंटर्स द डिवाइस वाइल इट्स एग्जीक्यूशन आपको बताना है उस वायरस का नाम ठीक है जो कि अटैक करता है डॉट ए फाइल्स को और डॉट कॉम फाइल्स को ठीक है जब हम इनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विल बी ऑप्शन सी दैट इज़ डायरेक्ट एक्शन वायरस और ये वाला क्वेश्चन एफ डबल ए के पेपर में पूछा गया था ठीक है और ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन uh, को पार्ट वन में लिया हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई थी मैंने वहाँ पे लिखा था इसका आंसर बूट सेक्टर वायरस आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा इसका सही आंसर रहेगा दैट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अ अस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लीकेट्स इट सेल्फ एट पेस इज कॉल्ड आपको बताना है इनमें से कौन सा वायरस ऐसा होता है जो कि अपने आप को रेप्लीकेट कर लेता है काफी तेज स्पीड में सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विल बी ऑप्शन सी दैट इज वर्म ओके ये वाला क्वेश्चन जो है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में च अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको बताना है इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है आपको पता है नॉटन मैकाफी एंड एवीजेजी सॉफ्टवेयर हाव एवर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज दैट इज थ्रोजन हॉर्स ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है और यह वाला क्वेश्चन भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के बारे में प्रोग्राम आर और पीस ऑफ कोड code इज लोडेड ऑन टू your कंप्यूटर विदाउट your नॉलेज एंड runs against your wishes इज कॉल्ड as आपको बताना है एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि आपके कंप्यूटर में लोड किया जाता है आपकी नॉलेज uh, के बगैर ठीक है ना ओके okay. और ये आपके खिलाफ मतलब आपके विशेज के खिलाफ रन हो रहा होता है आपको उस प्रोग्राम का नाम बताना है सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विल भी ऑप्शन डी दैट इज कंप्यूटर वायरस और ये वाला क्वेश्चन भी पंचायत अकाउंट के पेपर में पूछा गया था लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन से कौन सी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है इट इन्फेक्ट्स बूट सेक्टर ये तो नहीं है ऑप्शन सी uh, की पहले बात करते हैं इट हैज नो इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द ट्रैफिक नेटवर्क ये भी बिल्कुल गलत है इट ऑल टोअर्स द फोल्डर स्ट्रक्चर ये भी बिल्कुल गलत है हाउ एवर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ठीक है कंप्यूटर जो हमारा वर्म वायरस होता है ये क्या करता है इट प्रोपगेट्स थ्रू इंटरनेट एंड ई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मालवेयर दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर्स आपको बताना है उस मालवेयर का नाम जो कि अपने डेवलपर्स के लिए काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विल बी ऑप्शन सी दैट इज एडवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज स्लैश आर फ्री एंटी वायरस सॉफ्टवेयर आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा फ्री एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है ए वी जी जो है ये भी फ्री है अवास्ट भी फ्री है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी असेंशियल भी फ्री है सो द राइट आंसर ऑफ फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विल बी ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबाव ठीक है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी असेंशियल आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास एक जेन्यन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में वायरस ओनली एफेक्ट्स डैश बट नॉट डैश आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस किसको अटैक कर लेता है और किसको अटैक नहीं कर लेता है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विल बी ऑप्शन ए दैट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वायरस अफेक्ट करता है सॉफ्टवेयर को ना कि हार्डवेयर को ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंप्यूटर वायरस आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस किस किस के थ्रू स्प्रेड हो सकता है ईमेल e के थ्रू भी पेन ड्राइव के थ्रू भी और इंटरनेट के थ्रू भी सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ ऑर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दैट इज ऑल ऑफ द अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट के बारे में डैश यूजुअली डू नॉट कॉज डायरेक्ट डैमेज टू प्रोग्राम्स एंड फाइल्स आपको बताना है इनमें से कौन सा मेलिशियस सॉफ्टवेयर या वायरस ऐसा होता है जो कि डायरेक्टली डैमेज नहीं करता है प्रोग्राम्स को या फाइल्स को हाओ एवर दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ मेमोरी एंड और नेटवर्क बैंडवेड लेकिन वो क्या करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बैंडविड को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं दस स्लोइंग डाउन द कंप्यूटर एंड मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द यूजर टू वर्क ओके और इसकी वजह से क्या होता है हमारा सिस्टम काफी ज्यादा स्लो हो जाता है आपको उस मेलिशियस सॉफ्टवेयर का नाम बता देना है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विल बी ऑप्शन सी दैट इज कंप्यूटर वर्म बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन के बारे में कंप्यूटर वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस जो है ये किस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता पेन ड्राइवस को कर सकता है मेमोरी कार्ड्स को भी कर सकता है हार्ड डिस्क को भी कर सकता है सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन दैट इज कंप्यूटर वायरस सी डी रोम्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता सी डी रोम्स की फुल फॉर्म आप सबसे पहले मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करके बताएंगे ओके okay. और ये इसको इन्फेक्ट क्यों नहीं कर सकता बिकॉज जो सी डी रोम्स होती है ये क्या होती है एक सेकेंड जो हमारी सी डी रोम्स होती है ये होती है राइट प्रोटेक्टेड राइट प्रोटेक्टेड ठीक है और मैंने आपको प्रीवियस एक ऑब्जेक्टिव में समझाया हुआ है कि राइट प्रोटेक्टेड मोड में जो भी हमारी फाइल होगी या जो भी हमारी डिस्क होगी उसको कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता फाइन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में डैश इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क आपको बताना है इनमें से कौन सा वायरस ऐसा होता है जो कि बूट रिकॉर्ड्स को इन्फेक्ट कर लेता है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर थर्टी विल बी ऑप्शन ए दैट इज बूट वायरस ओके बूट वायरस क्या करता है बूट रिकॉर्ड्स को इन्फेक्ट कर लेता है ये वाला पॉइंट आपको पता होगी होपफुली तो होपफुली आज के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको फिर से अच्छे से समझ में आ गए होंगे ठीक है अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी गड़बड़ी लगी होगी उसके लिए एडवांस में मैंने आपको सॉरी बोल के रखा हुआ है बिकॉज तबीयत थोड़ी सी खराब है ठीक है होप यू लाइक द सेशन अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करके बताएंगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर हम किस पे लेके आ जाएँ ठीक है अब हमारे कुछ ही टॉपिक्स यहाँ पर बच जाते हैं ठीक है थीके? एक अगर मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे दूँगा कि अभी तक हमने क्या क्या किया है ठीक है हमने वायरस एंड एंटी वायरस का टॉपिक ख़त्म किया इसके रिलेटेड हमने 90 क्वेश्चंस किए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए ठीक है और इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी डेप्थ में पढ़ा है ठीक है और हमने क्या किया है हमने जो हमारा एम एस वर्ड या एम एस ऑफिस वाला पोर्शन है उसके रिलेटेड भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्यूज ऑलरेडी करके रखे हुए हैं और अभी हमने इंटरनेट ई मेल एंड पी डी एफ के रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मैंने ला के रखे हुए हैं और कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर भी हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं ठीक है ठीके? अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करके बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ठीक है मुझे लगता है कि पहले हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इसके रिलेटेड खाली एक लेक्चर एक, लेके आ, ले आ जाऊंगा और उसके बाद हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे एक दो लेक्चर्स में हम इस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो होपफुली यू लाइक द सेशन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ गुड बाय